हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ओड के। आज हम करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। लेसन का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, छोटा वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। पहले इंजीनियर डाई में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त है। मतलब जो प्रोजेक्शन बनाते हैं हम फर्स्ट और थर्ड एंगल में बना सकते हैं, लेकिन हम चारों क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन बताएंगे। किसका? पॉइंट का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट क्या होता है? जब दो प्लेन आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एचपी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो ये ऊपर वाली जो वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें, अगर हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट का प्रोजेक्शन देखेंगे कितने केस बनते हैं। तो पहला केस यही बनता है, एक पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होगा, ये पॉइंट ए का प्रोजेक्शन क्या होगा, जो वीपी के 4 सेंटीमीटर सामने है और एचपी से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या बना, वीपी के सामने और एचपी के ऊपर। जब ऐसा केस आ जाए वीपी के सामने और एचपी के ऊपर, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक पॉइंट है जो वीपी के सामने एचपी के ऊपर है, किस क्वाड्रेंट में? तो याद कर लीजिए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? तो चलिए हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। अगर टॉप व्यू लेंगे तो इसका प्रोजेक्शन एचपी पे आएगा, फ्रंट व्यू लेंगे इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे। इसको हम अगर ए डैश से शो करते हैं, इसको हम डबल डैश से शो करते हैं, इसको हम प्लान बोलते हैं, इसको एलिवेशन बोलते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड लाइन के रिफरेंस में इसको इसका दिखाना हो तो कैसे शो करेंगे? ये हो गया ग्राउंड लाइन। क्या हो गया? ग्राउंड लाइन एक्स वाई। तो देखिए जो ए एचपी वाला होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है। मीन्स ए पोजिशन यहाँ पे आ जाएगा, ये हम इसको ग्राउंड लाइन बना सकते हैं, इसी को हम ग्राउंड लाइन बना सकते हैं। मैं ग्राउंड लाइन यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो ये नीचे आ गया और जो बीपी है वो कांस्टेंट रहता है, जो बीपी है वो कांस्टेंट वो नहीं होता है। तो कितना? 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे ए डबल डैश जो एलिवेशन होगा, एलिवेशन इसको क्या बोलेंगे? प्लान। प्लान को ए डैश से शो किए हैं, एलिवेशन को ए डबल डैश से शो किए हैं यहाँ पे। तो इसका जो डिस्टेंस वो करना है, तो ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। यही डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, ये 5 सेंटीमीटर। बस इसका प्रोजेक्शन हो गया। तो अगर कोई ड्राइंग दे दिया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया है, ए डबल डैश एलिवेशन यहाँ पे है और प्लान यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा है, ये कौन किस क्वाड्रेंट का, किस एंगल का प्रोजेक्शन है। तो याद कर लीजिए, जब एलिवेशन ऊपर हो प्लान नीचे हो तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। अब क्या कहेगा? फिर वही केस बनेगा, ए वीपी होगा और ए एचपी होगा। अब क्या कहेगा? एक पॉइंट ए का प्रोजेक्शन कीजिए जो एचपी में है। कहां पे है? एचपी में है और वीपी से, एचपी में और वीपी के सामने है। कितना ले लीजिए डिस्टेंस? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है एक पॉइंट ए का प्रोजेक्शन बताइए जो एचपी में है और वीपी के सामने है, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? हम टॉप व्यू देखेंगे तो ये ही बनेगा, प्लान यही बनेगा। जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये कहाँ बनेगा? ग्राउंड लाइन पे बनेगा, ठीक है। अगर हम इसी को ग्राउंड लाइन मानते हैं एक्स वाई, तो ये क्या करेगा? मूव करके कहाँ आ जाएगा? नीचे, ग्राउंड लाइन के नीचे क्या बनेगा? प्लान आएगा नीचे, ए डैश। ये क्या होगा? ये डबल डैश। इसका प्रोजेक्शन क्या मिला? तो इसका प्रोजेक्शन क्या मिला, देखिए, ए एचपी जो 90 डिग्री मूव करके नीचे आएगा और जो एलिवेशन है
वो ग्राउंड लाइन पे ही रहेगा। तो इसका जो प्रोजेक्शन मिला एलिवेशन एलिवेशन ग्राउंड लाइन पे और प्लान नीचे, बस इसका प्रोजेक्शन हो गया। एक केस और बनेगा उसको भी देखते हैं। एक केस और बनेगा उसको देख लेते हैं। एक पॉइंट एक आप प्रोजेक्शन खींचे जो वीपी में है और एचपी से 6 सेंटीमीटर ऊपर है, 6 सेंटीमीटर ऊपर है इसका। चलिए इसका जब हम टॉप व्यू खींचेंगे तो कहां मिलेगा, ग्राउंड लाइन पे, कहां मिलेगा ग्राउंड लाइन पे। फ्रंट व्यू देखेंगे कहां पे हो जाएगा, वीपी पे हो जाएगा, तो इसका प्रोजेक्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए अगर यहां पे पॉइंट था, पॉइंट ए था यहां पे, इसका एलिवेशन यहीं पे मिलेगा डबल डैश और प्लान ए डैश यहां मिलेगा। इसको प्लान बोलेंगे, इसको एलिवेशन बोलेंगे। तो याद कर लीजिए एलिवेशन फ्रंट व्यू होता है और प्लान टॉप व्यू होता है, बस इसका पोजीशन हो गया, ये यहीं पे हो जाएगा। चलिए हम अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। ये हो गया एचपी और ये हो गया वीपी, एचपी वीपी। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या एक पॉइंट ए का या ओ का प्रोजेक्शन खींचिए जो वीपी के पीछे, जो वीपी के पीछे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है और एचपी से ऊपर, एचपी से ऊपर 4 सेंटीमीटर है इसका, और पॉइंट यहां पे है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या इसका क्वेश्चन बनेगा। वीपी के पीछे और एचपी से ऊपर, एचपी के ऊपर या एचपी से ऊपर, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, याद कर लीजिएगा। तो इसका प्रोजेक्शन क्या बने, जब हम ऊपर से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू यहां पे ए डैश, प्लान बोलते हैं इसको, और जब इसे सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहां बनेगा, एलिवेशन बोलते हैं, एलिवेशन। लेकिन हम जानते हैं एचपी क्या करता है, क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर जाता है 90 डिग्री। तो ये देखिए अगर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जब ये रोटेट करके जाएगा तो जाहिर सी बात है कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो ए डैश कहां आ गया, प्लान ऊपर 3 सेंटीमीटर के ऊपर आ जाएगा। ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस 3 था ना और ए डिस्टेंस 4 था, तो ए 4 ए 3 रोटेट करके इसके नीचे आ जाएगा, ए डैश यहां बनेगा, यहां नहीं बनेगा। चलिए एक हम और साफ प्रोजेक्शन देखते हैं सेम कंडीशन का। एक पॉइंट, चलिए एक पॉइंट पी है जिसका नाम हम पी रख दे रहे हैं, एक पॉइंट पी है जिसका प्रोजेक्शन खींचना है जो वीपी के पीछे, जो वीपी के पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और एचपी से 4 सेंटीमीटर की ऊपर है, एचपी से 4 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन खींचना है। जब हम इसका टॉप व्यू खींचेंगे तो यहाँ पे मिलेगा पी डैश, जब इसका हम फ्रंट भी देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा पी डबल डैश। अब हम क्या करेंगे, जो एचपी है ये वाला, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देंगे। देखेंगे ए डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर और ए डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, जब ये क्लॉक करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी पी डैश यहाँ पे आ गया, मीन्स प्लान यहाँ पे, एलिवेशन एलिवेशन यहाँ पे मिल गया इसका। तो प्लान कितना 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और एलिवेशन 4 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका मिल गया। प्रोजेक्शन में कुछ नहीं होता, बस यही होता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको मैं फिनिश करूंगा, इसको थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे। चलिए एक पॉइंट पी है जो वीपी में है, वीपी में है और एचपी से 5 सेंटीमीटर ऊपर है ना, 5 सेंटीमीटर ऊपर है और वीपी में, चलिए वीपी ए एचपी, इसका क्या प्रोजेक्शन। चलिए टॉप व्यू खींचेंगे तो ग्राउंड पे मिल जाएगा प्लान,
प्लान यहीं पर रह जाएगा, और जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो वीपी में रह जाएगा। बस इसका पॉइंट का नाम अगर हम पी दिए होंगे तो इसका जो एलिवेशन होगा पी डैश यहीं पे हो जाएगा, और जो प्लान होगा पी डैश यहां मिल जाएगा। ठीक है, बस इसको एलिवेशन बोल देंगे, एलिवेशन इसको प्लान बोल देंगे। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का देख लेते हैं क्या कंडीशन बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये होता है एचपी और ये होता है वीपी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या गया, एक पॉइंट ओ का प्रक्षेप कीजिए, प्रोजेक्शन कीजिए जो वीपी के, ये वीपी है, वीपी के 3 सेंटीमीटर पीछे है, 3 सेंटीमीटर पीछे है और एचपी से 2 सेंटीमीटर नीचे है। कहेगा 2 सेंटीमीटर नीचे है, इसका प्रोजेक्शन खींचना। जब हम ऊपर से देखेंगे तो याद कर लीजिएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो एचपी होता है उसको हम ट्रांसपेरेंट मान लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, तो आप इसको ट्रांसपेरेंट मान लेते हैं। तो देखिए जब हम टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, ओ डैश मीन्स प्लान बन जाएगा, और जब फ्रंट भी देखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ओ डबल डैश एलिवेशन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, एचपी 90 डिग्री क्या करता है, रोटेट कर जाता है, तो ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ 3 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम ग्राउंड लाइन मान लेते हैं अगर एक्स और वाई, तो एलिवेशन यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा क्योंकि वीपी रोटेट नहीं करता है, प्लान रोटेट करके यहाँ पे आ गया तो प्लान यहाँ पे। अब देख लीजिए प्लान यहाँ पे है, ओ डैश यहाँ पे आ गया। अगर कोई ऐसा फिगर मिलता है कि प्लान ऊपर है एलिवेशन नीचे है तो समझ जाइएगा वो थर्ड डिग्री थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पॉइंट का। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये बहुत हार्ड हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस यही पूछ देगा। एक और देख लेते हैं, और कंडीशन क्या बनेगा, एक पॉइंट ए की प्रोजेक्शन कीजिए जो एचपी में है, जो कहां पे है एचपी में है और वीपी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इसका प्रोजेक्शन क्या था खींचने के लिए। चलिए देखते हैं, अगर हम टॉप भी देखेंगे तो एचपी पे ही मिल जाएगा, कितने 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, फ्रंट भी देखेंगे तो ग्राउंड लाइन पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा ए डबल डैश, इसका प्रोजेक्शन यहां पे मिलेगा और ये एचपी मिलेगा, ये रोटेट करके कहां जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लेके आर्क लगाएंगे, आर्क लगाएंगे तो ये जो टॉप व्यू मिला था, ये पॉइंट है इसका टॉप व्यू यहां पे आ जाएगा, ये प्लान बन जाएगा। तो याद कीजिएगा, प्लान जब ऊपर मिल रहा है तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है और एलिवेशन नीचे मिल रहा है। ठीक है, प्लान ऊपर एलिवेशन नीचे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हो रहा था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देख लीजिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब मैंने किया था यहाँ पे, तो प्लान नीचे बन रहा था और एलिवेशन ऊपर बन रहा था, तो जस्ट इसके अपोजिट होता है थर्ड एंगल। ये हो गया, कंप्लीट हो गया थर्ड। अब एक और बच्चा है, बस उसको करा लेते हैं वीडियो को। एक और बचा है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, देख लेते हैं उसको। ये फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, ये एसपी हो गया और ये वीपी हो गया। तो एक पॉइंट पी का प्रोजेक्शन खींचिए जो एसपी के नीचे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है और वीपी के सामने, अब ये सामने हो जाएगा, वीपी के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इसका प्रोजेक्शन खींचा। जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये प्रोजेक्शन यहां मिलेगा, ये पी डैश हो जाएगा क्योंकि टॉप व्यू है, टॉप व्यू प्लान होता है, और ये जब यहां सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू यहां मिलेगा, पी डबल डैश एलिवेशन हो जाएगा। हम जानते हैं एसपी क्या करता है, रोटेट कर जाता है, कैसे रोटेट करेगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, जब 4 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे ऐसे लाकर, सेंटीमीटर का ऐसे आर्क जब लगाएंगे तो ये सब कुछ कीजिए,
यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी टेस्ट। अब देखिए क्या बन रहा है, प्लान और एलिवेशन, एलिवेशन दोनों नीचे बन रहा है, दोनों नीचे बन रहा है, तो कौन सा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है। एक और इसमें हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एचपी हो गया और ये वीपी हो गया। एक पॉइंट ओ का प्रोजेक्शन खींचिए जो एचपी से 6 सेंटीमीटर के नीचे है, एचपी से 6 सेंटीमीटर नीचे है और वीपी से 3 सेंटीमीटर सामने है, 3 सेंटीमीटर सामने है, एचपी से 6 सेंटीमीटर नीचे है। बस नीचे और सामने देखिएगा, जब फोर्थ एंगल होगा तो सामने और नीचे होगा, फर्स्ट एंगल होगा सामने और ऊपर होगा, सेकंड एंगल होगा तो पीछे और ऊपर होगा, थर्ड एंगल होगा तो पीछे और नीचे होगा, बस ये ध्यान देना है। चलिए इसका पोजीशन देखते हैं, जब टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ पे इसका टॉप व्यू मिलेगा, ओ डैश मिलेगा जिसे हम प्लान कहते हैं, और यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू मिलेगा ओ डबल डैश जिसको एलिवेशन बोलते हैं। हम जानते हैं ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो जब हम इसको रोटेट कराएंगे कितना 3 सेंटीमीटर, तो मीन्स आधे पे आएगा, यहाँ पे ओ डैश यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स प्लान ये आ जाएगा प्लान और ये एलिवेशन हो जाएगा प्लान एलिवेशन। तो प्लान एलिवेशन हमेशा नीचे बन रहा है, तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है, बस कंडीशन है, आप याद कुछ नहीं याद करना है, जहां देगा प्रोजेक्शन किसी देख लीजिएगा और एचपी को क्लॉकवाइज 90 डिग्री में रोटेट करा दीजिएगा, ए वाला एचपी इधर रोटेट करेगा, ए वाला एचपी इधर रोटेट करेगा, और इसको हमेशा ग्राउंड लाइन मान लीजिएगा, प्रोजेक्शन फिनिश हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, उसका 5-6 केस बनेंगे, तो मैं सारे केस बताऊंगा। थैंक यू।